नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक धार्मिक कहानी है, ये कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसे हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि उसे संतान प्राप्ति कैसे हो। वो कई सारे उपाय कर चुका था। एक बार एक तांत्रिक वहाँ पर आया और राजा को बोला कि जो उपाय मैं बताता हूँ वो यदि आप करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो राजा ने कहा, कौन सा उपाय करना होगा? तो उसने बताया कि आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, अवश्य बलि देंगे। और राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को बलि के लिए देगा उसके परिवार का भरण पोषण राज दरबार की ओर से किया जाएगा और उसके अन्य बच्चे जो होंगे उनकी नियुक्ति राज्य के सैनिकों में कर दी जाएगी। तो राज्य में एक परिवार था जिसमें 6 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा हमेशा हरि कीर्तन किया करता था, भक्ति में लगा रहता था, अन्य कोई काम वो करता नहीं था। तो माता पिता को लगा कि इस बच्चे को राजा को सौंप दिया जाए जिससे हमारे अन्य बच्चे जो हैं उनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा और हमारा जीवन यापन भी आराम से हो जाएगा। ऐसे करके वे राजा के लिए अपने बच्चे को ले जाते हैं। जिस दिन उस बच्चे की बलि दी जानी होती है उस दिन उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो बच्चा कहता है कि मुझे मिट्टी का भरा एक थैला चाहिए। तो राजा और सेनापति ये समझते हैं कि बच्चा है, मिट्टी के बर्तन बनाकर खेलेगा और अपनी इच्छा जो है पूरी करना चाहता है, इसके लिए उसे मिट्टी का भरा थैला दे दिया जाता है। बच्चा मिट्टी के थैले में से मिट्टी निकालता है और उसकी अलग अलग 4 ढेरी बनाता है। फिर कुछ देर बाद वो पहली ढेरी को तोड़ देता है, फिर दूसरी ढेरी को भी लात मारकर तोड़ देता है, फिर तीसरी ढेरी को भी लात मारकर तोड़ देता है और चौथी ढेरी जो थी उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करके आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। राजा और सेनापति ये देख रहे होते हैं, उन्हें ये कुछ अजीब लगता है। तो वे उस बच्चे को टोकते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसा करके तुझे कौन सा आनंद मिल रहा है? तो बच्चा बोलता है कि हे राजन, ये पहली ढेरी जो थी वो मेरे माता पिता की ढेरी है। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने मुझे बलि के लिए आपको दे दिया। मेरे जीवन यापन करने की बजाय उन्होंने अपने जीवन के लिए मुझे आपके लिए सौंप दिया। उन्होंने जो कार्य किया ये कार्य अच्छा नहीं है, ये कार्य निंदनीय है, इसके लिए मैं इस ढेरी को तोड़ दिया। उसके बाद में वो दूसरी ढेरी के बारे में बताता है। दूसरी ढेरी जो है वो मेरे समाज की ढेरी है। मेरा समाज जो ऐसा निंदा भरा कार्य होते हुए देख रहा था, जो गलत कार्य हो रहा है उसे रोका नहीं, उसे होने दिया। उसके बारे में मेरे माता पिता को टोका नहीं कि इस बच्चे को अभी ये नादान है, बच्चा है, इसे बलि के लिए मत भेजिए, ऐसा उन्होंने रोका नहीं। ऐसा समाज जो गलत कार्य होते हुए देखता है वो भी मुझे स्वीकार नहीं है, इसके लिए मैंने ये दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। तीसरी ढेरी राजन आपकी है। एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा का पालन पोषण करना, बल्कि मैं आपकी ही प्रजा हूँ और आप अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरी बलि दे रहे हैं, इसके लिए राजन मैं ये तीसरी ढेरी भी तोड़ दिया। इतना सुनकर राजा मन में सोचने लगता है, इतना बुद्धिमान बच्चा है, यदि मैंने इसकी बलि चढ़ा दी और इसके बाद भी मैं निसंतान रहा, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मेरे हाथों ये घोर पाप हो जाएगा और मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं होऊंगा। जनता मुझे तिरस्कार की नज़रों से देखेगी। इससे अच्छा मैं इस बुद्धिमान बालक को, ये कितना बुद्धिमान है, कितना निपुण है, इस बालक को ही अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लेता हूँ और इसे राजगद्दी पे बैठा देता हूँ। तो राजा उसी समय निर्णय लेता है और उसे राजगद्दी पर बैठा देता है, उसका राज तिलक कर देता है। उसके बाद उससे पूछता है कि ये चौथी ढेरी किसकी थी जिसके सामने तू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
तो बच्चा कहता है कि हे राजन, ये चौथी ढेरी जो है जिसकी मैं भक्ति करता था, जिसकी मैं पूजा आराधना करता था, ये उसी ईश्वर की ढेरी है। मैंने उसके समक्ष हाथ जोड़कर, ईश्वर सभी आपके हाथों में, अभी मेरा जीवन जो है वो आपके हाथों में। तो मित्रों, भक्ति में इतनी शक्ति होती है। यदि सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो आपको जीवन में कभी भी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। आप जीवन में हमेशा सफल होंगे। तो मित्रों, ये एक कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।